धनबाद में 3877 लोगों को लगा टीका, आज भी नहीं हुआ 18 प्लस का टीकाकरण। विभाग के पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं। झारखंड में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी, सीएम ने दिए ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश। अब तक 25 मरीजों की गई जान। सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक, 24 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का लिया गया निर्णय। मॉल दुकानों को 4 बजे तक खोलने की अनुमति। फाउंडेशन हजारों जरूरतमंद लोगों को दे रहा मुफ्त राशन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना, स्वागत है आपका। बात झारखंड में, झारखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि के मद्देनजर यहां भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसे राज्य में महामारी घोषित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अगली कैबिनेट की बैठक में उस पर स्वीकृति ली जाएगी। यह मालूम हो कि राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक 130 मरीज मिल चुके हैं, इनमें से 79 मरीजों को ब्लैक फंगस से पीड़ित होने की पुष्टि हो चुकी है, वही 51 मरीज संदिग्ध है। राज्य में अब तक 25 मरीजों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार जुड़ चुके हैं। शुभम, झारखंड में कोरोना केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस एक नई चुनौती बनकर उभरा है, क्या अपडेट है आपके पास? लिया, लेकिन इसी बीच एक बड़ा संकट बन के ब्लैक फंगस सामने आ रहा है। और ब्लैक फंगस से अभी तक पूरे झारखंड की बात करें तो 25 लोगों की मृत्यु हो गई है और 37 लोग अभी ठीक होकर अपने घर की ओर जा चुके हैं। और अभी 79 लोग ऐसे हैं जो कि ब्लैक फंगस से संक्रमित पाए गए हैं। तो दिन प्रतिदिन अब देख रहे हैं ब्लैक फंगस के मामलों में उछाल आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को कहीं ना कहीं महामारी के तौर पर घोषित कर दिया और एक महामारी के तौर पर झारखंड में ब्लैक फंगस को जाना जा रहा है और महामारी से निपटने के लिए तमाम तैयारियों को झारखंड सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से झारखंड के विभिन्न जिलों में ब्लैक फंगस के जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी इसी डगमगाती जरूर नजर आ रही है। क्योंकि आए दिन संक्रमित मरीज, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से कोरोना के संक्रमित मरीज झारखंड में मिल रहे थे, अब उसी प्रकार झारखंड में ब्लैक फंगस ने दस्तक देते हुए अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अगर दूसरी कड़ी में बात करें, जिस तरीके से झारखंड में ब्लैक फंगस के जो बढ़ते हुए मामले देखने को मिल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं राज्य की जनता के मन में भी डर का माहौल जरूर बना हुआ है। जी शुभम, ब्लैक फंगस से निपटने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां है? देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है तमाम जगहों पर, कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक फंगस शुरुआती दौर में जब कोरोना का जो कह सकते हैं झारखंड में जब पीक आवर था दूसरी लहर में, तो ब्लैक फंगस ने दस्तक दी थी और लोग ब्लैक फंगस के नाम से जागरूक नहीं थे और लोगों को ये पता नहीं था कि ब्लैक फंगस आखिर बचा कैसे जाए। खैर, इसी वजह से 25 लोग आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है जिनकी मृत्यु ब्लैक फंगस से हुई है। तो ये तमाम परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। हर गाँव, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत, प्रखंड में लगातार ब्लैक फंगस को लेकर अब जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि जिस दिन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, क्योंकि कल ही मंगलवार के शाम मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय से ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि झारखंड में ब्लैक फंगस को महामारी के नाम पर कह सकते हैं महामारी के तौर पर घोषित किया गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि राज्य की जनता के बीच जिस तरीके से झारखंड सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोरोना की जागरूकता अभियान तमाम देश भर में चलाई थी, अब ब्लैक फंगस को भी कह सकते हैं ब्लैक फंगस से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और राज्य की जनता की जिंदगी और देश की जनता की जिंदगी को सर्वोपरि मानकर जिंदगी को बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम बढ़ते हुए ब्लैक फंगस के इलाज में इंजेक्शन इस्तेमाल होता है एम्फोटेरिसिन बी, उसके स्टॉक को लेकर क्या अपडेट है? क्या सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है उस इंजेक्शन का?
बिल्कुल, देखिए झारखंड में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और अभी कहीं से ये सूचना नहीं मिली है कि झारखंड में एक भी ब्लैक फंगस संक्रमित मरीज की मृत्यु दवाई की कमी से हुई है। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि झारखंड में जिस तरीके से कोरोना ने अपना रौद्र रूप दिखाया था और कोरोना के संक्रमित मरीजों को ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दिया जा रहा था, उसी की वजह से लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा बरकरार है। अगर बात करें तो किन लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है, तो नूपुर सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिन लोगों को हृदय का रोग, शुगर की बीमारी, तमाम बीमारी जो पहले लोग ग्रसित चल रहे थे, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है ब्लैक फंगस का। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यह भी है कि ब्लैक फंगस का मृत्यु दर 70 से 80% बताया जाता है। और चिकित्सकों की माने तो लगातार डॉक्टर ये सलाह कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लैक फंगस का हल्का सा भी लक्षण दिखाई देता है तो फौरन वो नजदीकी अस्पताल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाए, तभी जाकर उसकी जान को बचाया जा सकेगा। जी शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो झारखंड में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा। अजीत पीतर डुंगडुंग के एसटीएफ में ट्रांसफर किए जाने के बाद रांची के नए ट्रैफिक के रूप में अंजनी अंजन ने पदभार ग्रहण किया है। ट्रैफिक एसपी कार्यालय में पुलिस एसोसिएशन की ओर से नए ट्रैफिक एसपी का स्वागत किया गया। इस दौरान अंजनी अंजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रैफिक स्तर पर कई सुधार लाने को अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही उन्होंने सड़कों पर तैनात कर्मियों की संख्या बढ़ाए जाने की भी बात कही है। अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे पिछले कुछ सालों में, तो कई स्तर पर सुधार हुए हैं। इसी सुधारों की प्रक्रिया को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। साथ साथ में हम लोग ट्रैफिक बीट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए जो जाम वगैरह की समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग का ये भी प्रायोरिटी होगा कि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन ज़्यादा करें, जिससे कि लोगों का सुविधा किसी भी प्रकार का ना हो। दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जिले के सबसे अस्पताल फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने मुख्य रूप से कोरोना की स्ट्रेन को लेकर उसे ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण में उपायुक्त ने अस्पताल में बेड और उपकरण की उपलब्धता का भी जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के भी उन्होंने उनसे बातचीत की। आपको बता दें कि तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों पर देखते हुए पीक्यू वार्ड में 40 बेड की व्यवस्था की गई है। हमारे डीएमसीएच में 300 बेड्स का कैपेसिटी है, उसमें अभी कोविड का भी हॉस्पिटल चल रहा है और क्योंकि कोविड में देखा गया कि ऑक्सीजन सप्लाई बेड्स की ज़्यादा डिमांड है, अब लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होता है, तो 300 बेड का ऑक्सीजन सप्लाई बेड्स में अपग्रेडेशन किया गया है। उसमें पीएसए प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन देने के लिए भी प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। जिला स्तर से 50 बेड का प्लांट पीएसए प्लांट दिया गया है। सरायकेला जिले के गमहरिया प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जगनाथपुर पंचायत के रहने वाले 74 साल के इस कलाकार ने आज अपने पूरे घर की दीवारों पर ऐसी कलाकृतियां बनाई है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं और ना सिर्फ इसे देखते हैं बल्कि इन कलाकृतियों में छुपे उन गहरे संदेश को भी समझते हैं जो आज मानव जीवन के आरंभ से लेकर प्रकृति संरक्षण और वर्तमान में कोरोना वायरस दुष्प्रभाव को बखूबी दर्शाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अपने घर के सभी दीवारों पर ऐसे बेजोड़ कलाकृतियों को समेटा। वृक्ष को रक्षण नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमारा जीवन खत्म हो सकेगा। पशु पक्षी जीव जंतु सभी आज हमारे जो है इस अवस्था में पहुंच चुके हैं। मानव पशु पक्षी जीव जंतु जनहित में लोगों को कुछ शिक्षा पत्र कुछ कर सकूं तो उत्तम होगा। मैंने जनहित के लिए अपने पूरे निजी मकान में एक आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो भी पर्यावरण हो या कोरोना काल हो या क्या खोया क्या पाया, मैंने वो सभी चीज को
म्यूरल आर्ट द्वारा सीमेंट और बालू के गारों से उकारा गया है। यहाँ पे एक ऐसा घर है जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स बने हुए हैं और वो बहुत अच्छा एक है, तो मैं वहाँ रांची से देखने आई थी। यहाँ पे स्पेशली यही देखने आई थी मैं कि ये है क्या, कैसा और क्या है। तो मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे घर से ज़्यादा एक म्यूजियम जैसा है जिसमें हर जगह पेंटिंग्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स हैं और सारे पेंटिंग्स के कोई मतलब है सारे पेंटिंग्स। पैसा कौड़ी नहीं था इस चलते हम लोग तुमको मूसाबानी चले गए। मूसाबानी में भी उतना नहीं अथी हुआ तो हम लोग सेल के अंदर चले गए और वहाँ बहुत इनका नेशनल प्राइज मिला, बहुत सम्मान मिला, बहुत अच्छा से काम धंधा किया। फिर 2008 में रिटायर किए हैं, जब से इधर लग गए हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद क्षेत्र में हुए सड़क दुर्घटना में होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय थाना ने जवान के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जिले के वरीय पदाधिकारियों ने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, साथ ही होमगार्ड की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप पौधारोपण भी किया गया। आज होमगार्ड कैंप कमरसाली में जिला समादेष्टा संजय कुमार राणा साहब के द्वारा होमगार्ड जवान डहना मरंडी की मौत पर आज यहां पर सम्मान श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करके और डीएसपी सर के हाथों में डहना मरंडी के यादगार में एक स्मृति वृक्ष लगाया गया जो हमेशा हम लोगों को डहना मरंडी यादगार बने रहेंगे और हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने वरीय पदाधिकारियों की होमगार्ड मरने के बाद उनके सम्मान के लिए डीएसपी साहब अपना कीमती समय लेकर आए और अपने जवानों का हौसला बढ़ाए, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। रांची विश्वविद्यालय में विवाद का सिलसिला काफी पुराना है। विवादों को लेकर रांची विश्वविद्यालय और दूसरे पक्ष थाने के साथ साथ कोर्ट के भी चक्कर काट चुके हैं। विवाद की इसी कड़ी में रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग के पास एक नया विवाद सामने आया है। टीआरएल के पास दुकान निर्माण के लिए निर्माण कार्य शुरू किया गया था। ये निर्माण वहाँ पहले से मौजूद कैंटीन को तोड़कर किया जा रहा है। डिपार्टमेंट का रेनोवेशन का काम चल रहा है और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से काम हो रहा है और उसी में उसकी बाउंड्री वॉल को बढ़ाने का भी काम है। तो इसके पहले जो बाउंड्री वॉल में जो सटे हुए कंस्ट्रक्शन थे उसको वो लोग हटाएंगे। रांची विश्वविद्यालय पेढ़ी विभाग के अंतर्गत कथन पेड़ के पास जो एक पुरानी कैंटीन थी जिसको हटा दिया गया है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन से हम छात्रों का यह मांग है कि उस कैंटीन को जल्द से जल्द वहीं किसी सुरक्षित जगह पर चालू किया जाए, क्योंकि दूर दूर से छात्र छात्राएं वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं और कैंटीन की सुविधा न रहने के कारण उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन एक सुरक्षित जगह पर देख करके कैंटीन को जल्द से जल्द बनवा करके उसको चालू करवाए। जामताड़ा में बीते दिन बरामद हुए लावारिस शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। उस मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की गिरफ्तारी बलिया जनपद से हुई है। जानकारी के अनुसार सियालदा से जसीडीह जाने के क्रम में शव को चलाकी से सड़क किनारे फेंक दिया गया था। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले हथियार सहित अन्य प्रमाण भी जब्त कर लिए हैं। सूचनाएं मिली, जैसे जैसे क्लू मिलता गया उसके आधार पर मतलब है क्या कि वो केस का खुलासा होने लगा
इसमें से सबसे पहले समस्या थी, हम लोग उसको 72 घंटे तक डेड बॉडी को रखे, लेकिन इस 72 घंटे में इसका कुछ कोई लोग नहीं आया तो हम लोगों ने डेड बॉडी का डिस्पोज किया। सरकारी निर्माण कार्य में लापरवाही का मामला झारखंड में अब आम हो चुका है। रामगढ़ जिले के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में पीएम सड़क योजना के तहत निर्माण करवाया गया, सड़क निर्माण में हुई लापरवाही बयां कर रही है। जर्जर सड़क लोगों के लिए आवागमन की व्यवस्था को बाधित कर रहा है। उस मामले में जय नारायण बेदिया बड़का गांव प्रखंड सहायक सचिव सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सड़क के दोबारा निर्माण के लिए उपायुक्त से आग्रह किया है। दो स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प को सुलझाने के लिए जामताड़ा विधायक खुद मौके पर पहुंचे। इस झड़प की सूचना पर विधायक सारा काम धाम छोड़कर थाने पहुंच गए। दरअसल दुकान में पहुंचे युवक को दुकानदार ने जाति सूचक गाली देकर धमकाया था, जिसके बाद युवक ने दुकान के सामने जाकर जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि विधायक इरफान अंसारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकानदार को जमकर फटकार लगाई और दोनों पक्षों के बीच सुलह भी कराया। वहाँ पे हंगामा हो गया सर। अभी सुनो आदिवासी लोग मार दीजिएगा, हम ग्राहक है आपको, ठीक है? अरे कस्टमर सर्विस वाले। हजारीबाग और रामगढ़ में सांसद माननीय जयंत सिंह के प्रयास से अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा हजारों जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन किट मुहैया करवाने का अभियान तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में पतरातु मंडल के सुदूरवर्ती गांव के बिरहोर लोगों को कटिया पंचायत और जयनगर पंचायत में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में राशन किट दिया गया और यह अभियान आपको बता दें आगे भी इस तरह जारी रहेगा। इस अभियान में मुख्य रूप से लोकसभा सांसद प्रतिनिधि नारायण चंद्र भौमिक डॉक्टर संजय सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। आज हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी के द्वारा उनके सौजन्य से अक्षय पात्रा के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ जिला के पतरातु प्रखंड के कई गांवों में इस कोरोना महामारी के इस काल में गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए माननीय लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी ने एक महीने का राशन कार्ड गरीबों के लिए जरूरतमंद लोगों के लिए मुहैया करवाए हैं। भुरकुंडा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कार्यकारी सदस्य नितेश ओझा ने भदानी नगर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस वजह से उन्हें थाना बुलाकर गाली गलौज किया गया और साथ ही मारपीट भी की गई। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में काफी ज्यादा संख्या में लोग भदानी नगर थाने में पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों को थाना प्रभारी के साथ बिठाकर समझाया बुझाया गया और मामले को रफा दफा किया गया। वहीं नितेश ओझा ने मीडिया कर्मियों के सामने इस बात का खुलासा किया कि फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था जिसमें दोनों पानी टैंकर का जिक्र है, एक पटेल नगर और दूसरे बिरसा चौक के पास खड़ी रहती है, जिसका लाभ पंचायत के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी पोस्ट को लेकर विशाल नायक ने एक अपशब्द अपने स्टेटस में पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन तब तक बात को तूल देकर भदानी नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। लपंगा पंचायत स्थित सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार किया जा रहा था। कई बार इस मामले को लेकर हमारे पास लोग आए थे, जब इस पानी टैंकर का मामला को लेकर हम लोगों ने इस पर जांच पड़ताल किया तो मैंने पाया कि ये
एक मुखिया जी के कोटे का पानी टैंकर और एक सरपंच जी के कोटे का पानी टैंकर, दोनों का दोनों निजी प्रयोग में पंचायत के बाहर, निजी पंचायत की बात जी, लपंगा पंचायत का मामला है। और लपंगा पंचायत का पानी टैंकर पिछले कई महीनों से टैंकर पंचायत के बाहर निजी कार्य में उपयोग किया जा रहा है। कहते हैं अगर कोई काम शिद्दत से किया जाए तो पूरी कायनात सफलता दिलाने के लिए आपके साथ हो जाती है। छतरा के सिमरिया प्रखंड के चाक खुर्द गांव के एक पति पत्नी ने इसी बात को साबित कर दिखाया है। ये जोड़ा जागरूकता के वीडियो को अभिनय के साथ हास्य का रूप देकर बनाते हैं और उसे यूट्यूब पर अपलोड भी करते हैं, जिस पर उनके लाखों लाइक्स आते हैं। यूट्यूब के जरिए होने वाली कमाई से ही इस परिवार की जीविका चलती है। मिली जानकारी के अनुसार चतरा जिले के सिमरिया और पत्थलगढ़ा रास्ते में एक छोटे से गांव इचाक खुर्द के रहने वाले शिव कुमार दांगी देश विदेश में मशहूर है। ये पहचान उन्हें सोशल मीडिया के जरिए मिली है। आम लोगों से जुड़े त्योहार और सामाजिक मुद्दों को लेकर ये उसमें हास्य का पुट देकर अभिनय के साथ खोरठा भाषा में वीडियो बनाते हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं, पहले भिगो वीडियो बनाते थे, तो भिगो वीडियो बंद हो गया तो हम लोग को थोड़ा सा दुख लगा कि भिगो वीडियो बनाते हैं, अभी तो बंद हो गया। कुछ महिलाएं थे वो मना भी करती थी कि वीडियो मत बनाओ, तो क्योंकि वो लड़का वो चले था तो इन का बना हुए थे। हम लोग पति या पत्नी दोनों कुछ मिल के बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत लोग देखे हैं, करोड़ों लाखों लोग, तो हम लोग अच्छा लग रहा है, देश या विदेश में भी देखा जा रहा है। हम लोग गांव क्षेत्र में रहकर वीडियो बनाना शुरू किए थे, हम लोग को तो आता भी नहीं था, लेकिन एक वीडियो देखे थे, छोटा व्हाट्सएप पे आया था, तो हमारा भी मन करने लगा कि भाई हम लोग बनाए। और आज नेटवर्क का प्रॉब्लम था गांव में, बहुत दिक्कत था, तो उसी जगह पे जाके हम लोग वीडियो अपलोड करते थे। और वीडियो बना करके जो है आज हम लोग इतना चाहने लगे हैं। और शुरुआत जो हम लोग किए थे वीवो वीडियो था, जो टिकटॉक आप लोग सबको जानते हैं, तो उन्हीं का एक वीवो वीडियो भी था, तो उसमें हम लोग ज़्यादा फेमस हुए थे। और उसमें हमारा जो वीडियो चला था बहुत मिलियन में जाता था, 8 मिलियन 10 मिलियन मिलियन में। और वीवो वीडियो का हमारा जो है अपना कार्यभार वहाँ का मिल गया था, देख रेख करना झारखंड में कैसे उसको चलाना है, यहाँ तक पहुँचे थे। बदकिस्मती हम लोग का रहा कि वीवो वीडियो टिकटॉक सब सारे ऐप एक साथ बंद हो गए, जितने भी चाइनीज ऐप थे। हम लोग के संज्ञान में है, उनका यूट्यूब पे बहुत वायरल हुआ है उनका वीडियो, और उनके द्वारा जो वीडियो बनाया गया मनोरंजन तो है ही, साथ ही उनके द्वारा जो कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास किया गया है क्षेत्रीय भाषा में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारा उनसे आग्रह होगा कि वे वैक्सीनेशन से संबंधित भी एक वीडियो हम लोग को दें, ताकि लोगों को भी इतनी जागरूकता हो सके कि वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है। इस तरह से इस प्रकार के कलाकारों को प्रोत्साहन की जरूरत है, ताकि वे दूसरे क्षेत्र में जा करके भी, और फिल्म इंडस्ट्री हो या धारावाहिक हो, ऐसे क्षेत्र में भी जा करके अपने करियर को बनाए। अभी बिनवास मार दे, बिनवास ना मार बो, लिबर पूजी होने से आरती उतार बो, टीका लगे बोल फेंग खिए बो, बरपूजी है। हाँ, बर के खुश करे वाला दिन। हाँ, मैंने रोज रोज लुटिए लुटिए अंधेरे समझी दिया, आज खुश कर गया बर के। ये का हो कोई? ये गंगा जल हो। गंगा जल का? हाँ, अच्छा तनी टेस्ट करके। गंगा जल तो पानी है, कहोगे एको बुलाओ कैसे नहाने लगोगी, तो चावल निहार गले बस बुलवक। हाँ, तो सोचल जो कि हमी लग गंगा जल भाके दरिया से सोचल जो आज आवे चलता है। आज बार पूजी दिन मरद के खुद के देखो तो दारू दे और मुर्गा ले ले, एक हफ्ते मरद खुश हो जाते पकी से। ये लखनी मरद के खुश कर रोज रोज मैंने अंधेरे समझी सुने बे छोलल छोलल, और आज मरद के खुश कर वो बिना हक वो फल खिए वो। मैंने सर 5,000 पैसा लेना है। 5,000 लेना है? हाँ। पहले सैनिटाइजर लगाइए। सैनिटाइजर लगाने चिंता है, सैनिटाइजर काजी के लगाएंगे हैं? सैनिटाइजर ना लगाएंगे हम? काहे? क्या पत्नी है, कोई आईडी वाली आदमी नहीं है कि हम सैनिटाइजर लगाएंगे तब पैसा दीजिएगा। से पैसा लेना है, सैनिटाइजर लगाने तो नहीं मिलेगा, मुखिया की पत्नी है, यहाँ कोरोना वायरस मुखिया।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज।